तो फिलहाल है मैं एक बहुत ही बड़े से रास्ते पर। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे मतलब ये क्या है, कौन से रास्ते पर इतनी सारी गाड़ियों का आवाज़ और इन चलती हुई गाड़ियों के बीच में हम, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा सा आ रहा है मतलब यहाँ पर मतलब वीडियो बनाते हुए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आज की इस वीडियो में हमने आपको नेविगेशन करके बताया हुआ है, मतलब किस प्रकार आप गूगल मैप का उपयोग करते हुए जो है नेविगेशन कर पाओगे, है ना। यही आज की इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप लोग भी नेविगेशन करना सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, है ना। और जो लोग जानते हैं नेविगेशन मैप से किस प्रकार किया जाता है वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना नेविगेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पर Arriving at Devon Associates, Crystal Paradise, 107, off Mira Desai Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra 400,053, window maps. है ना, अंधेरी वेस्ट की एक लोकेशन डालकर जो है मैं यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। अब कैसे की है स्टार्ट से एंड तक मैंने आपको जो है बताया हुआ है वीडियो में, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, है ना। और सब कुछ चीज़ें समझनी है, डिटेल में सब चीज़ें मैंने बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है ताकि हमारे ब्लाइंड लोग नेविगेशन कर पाए बहुत अच्छे से। वीडियो में लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है वीडियो बनाते बनाते, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए। शेयर करना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, है ना। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि मतलब बाहर हम वीडियो बना रहे हैं तो टॉकबैक की आवाज़ सही से आई है नहीं, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा कॉन्फिडेंस है बाहर हम आपसे सही से जो है मतलब बात कर पाते या नहीं, आपने हमने बाहर वीडियो बनाई है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ कम तो नहीं लगा, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। टॉकबैक की आवाज़ सही आई या नहीं, हमारी आवाज़ सही या नहीं आई, सब कुछ आपको कमेंट में बताना है। कमेंट का आप लोगों को इंतज़ार रहेगा, है ना। मतलब एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करता है, इससे कुछ नहीं मिलता है हमें लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों फाइनली अभी हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से हमें ऑटो लेनी होगी, है ना। और ऑटो लेने के बाद यहाँ पर हमें जो है अपनी लोकेशन डालनी है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ना अपनी लोकेशन एंटर कर लेते हैं। मैप में चलेंगे हम लोग, मैप्स में चलेंगे, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च करेंगे हम लोग। Search here. Showing recently copied or captured. Home, Savar Road, Vangani, Maharashtra. Edit box में search keywords डालते हैं. Word, Reggae and Editing, search here. Pasted, Dev and Associates. Clear. Rolex. 1.9 kilometers, Dev and Associates, off Mira Desai Road, Industrial Area, Andheri West, Mumbai, Maharashtra. ठीक है, अंधेरी वेस्ट में जो है Dev and Associate है, जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ से 1.9 kilometers यहाँ पर है, ये देखिए. Activate 1.9 kilometers Dev and Associates off Mira Desai Road, Industrial Area, Andheri West, Mumbai, Maharashtra. है ना, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग सिंपल और उसके बाद देखेंगे इंटरफेस क्या आ रहा है. Back. Clear. Voice search. See similar View Street View Imagery for Dev and See similar places. Similar places में यहाँ से दिखा रहा है. View Street View Imagery for Dev and Associates. Street View यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है, आप सारा routes वगैरह देख सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था. Dev and Associates, three directions to Dev and Associates. यहाँ पर direction 107 off Mira Desai Road. Direction में जो है आप direction देख सकते हो. Not checked. Start. यहाँ पर not check है start. इस पे check करना है आपको. Not checked. Save Dev and Associates to list. Save करके रख सकते हो आप. Not checked. Share Dev and Associates. Share कर सकते हो यहाँ से. Photo one. Photos यहाँ पर दिखा रहा है आपको. Add photos. Stop recording. Window start recording. 1 minute 49 seconds. ठीक है, तो हम लोग start navigation पे क्लिक करेंगे. Photo one. Not checked. Not checked. Not checked. Start. Start पे क्लिक करेंगे. Not checked. आगे स्वाइप करेंगे. West onward half there's a marshy road toward SV Road. ठीक है, अभी हमारी आंटी फिलहाल यहाँ पर बोली ही नहीं है क्योंकि अभी हमने नेविगेशन स्टार्ट नहीं किया, ऑटो ली नहीं है यहाँ से. Voice search. Search audio levels. Add a report. Activate the open step list. ठीक है, यहाँ पर स्टेप लिस्ट आपको दिखाएगा जो जो आगे आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है वो आप यहाँ से देख सकते हो. Time until arrival is 13 minutes. ठीक है, 13 मिनट यहाँ से लगेंगे.
Distance remaining is 3.0 kilometers. Estimated time of arrival is 1:05 p.m. अब मुझे इसने दूसरा रूट दिखाया क्योंकि यहाँ पर जो 1.9 किलोमीटर वाला जो रूट था वहाँ पे ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक, तो यहाँ पर इसने रूट दिखा दिया। क्लोज नेविगेशन का बटन आ रहा है, रूट प्रीव्यू आप यहाँ से जाके देख सकते हो, मतलब आपको राइट लेफ्ट कैसे कैसे जाना है सब ऑप्शन आपको दिखाएगा। हम मीडिया वॉल्यूम फुल कर लेते हैं ताकि आंटी का आवाज़ अगर आए तो आपको सुनाई दे। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस हो सकता है ना, आप लोग कंडीशन समझ ही सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाने की और टॉकबैक की आवाज़ आप तक पहुँचाने की, है ना। तो हम स्टार्ट नेविगेशन कर चुके हैं, अब हमें जो है सिंपल ऑटो पकड़नी है। यहाँ पर हम दिन में वीडियो बना रहे हैं अभी फिलहाल, और आप लोग समझ ही सकते हो कि बिजी वर्क है मेरा, तो यहाँ पर मुझे ऑफिस के कॉल्स भी आ रहे हैं तो डिक्लाइन कर रहा हूँ मैं वैसे, है ना। फ़ोन को थोड़ा सा मैं साइलेंट पे रख लेता हूँ। ओके, अब हम लोग जो है सिंपल अभी यहाँ पर जाके ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो लेते हैं, है ना, और ऑटो लेके फिर मैं आपसे जो है बात करता हूँ। तो दोस्तों आंटी बोलने लगी और फाइनली जो है हमने ऑटो यहाँ पर पकड़ ली है, है ना। अब आपको आंटी की आवाज़ें सुनाई देगी, मतलब आंटी जो हमें नेविगेशन बताएगी सारा। तो ठीक है, वर्सोवा मार्ग पर हमें ये लेफ्ट लेने के लिए बोले, हम देखते हैं आगे ऑप्शंस क्या क्या है अवेलेबल। बीच बीच में आंटी बोले कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन एनीवे अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर आंटी को थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। आगे स्वाइप करेंगे हम लोग। Continue on JP Road for 1 kilometer. ठीक है, अब यहाँ आगे स्वाइप करेंगे। Voice search. Search along. Audio level selector. Unmuted. यहाँ पर आपको अनम्यूटेड ही रखना है हमेशा, याद रखें। स्वाइप करेंगे आगे। Add report. अगर आपको कोई रिपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। Activate the open step list. Step list आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा। Time until arrival is 15 minutes. ठीक है, 15 मिनट्स बता रहा है क्योंकि आगे ट्रैफिक है। Distance remaining is 2.6 kilometers. Estimated time of arrival is 1:24 p.m. Close navigation. Route preview. Stop recording. Window screen recorder. इतने ही यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं आते, बस आपको ऑडियो नेविगेशन सुनना है, है ना, बस वो सुनना है और उससे अकॉर्डिंग जो है आपको आगे बढ़ना है, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मैनुअली जो है जाओ, कितने मीटर के बाद कितना कहाँ जाना है आप ऑटो ड्राइवर को जो है बताओ, तो उस तरह से जो है आप बता सकते हो। रूट प्रीव्यू में जाके आप सारा रूट देख के जो है बता सकते हो, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है नेविगेशन का, है ना। अभी मुझे यहाँ पर 1 किलोमीटर तक जो है आगे चलना है, और जैसे 1 किलोमीटर से 800 मतलब 200 मीटर जो है बचेगा, उसके बाद ये वापस से अनाउंस करेगा कि आगे से मुझे राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है या मेक अ यू टर्न या फिर एग्ज़िट लेफ्ट स्लाइड लेफ्ट, जो भी मुझे लेना होगा तो ये अनाउंस करेगी, है ना। जैसे ही ये अनाउंस करेगी तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, है ना। तो ये सिंपल नेविगेशन है, इसी तरह से जो है वॉकिंग नेविगेशन भी होता है, मतलब जिस तरह से अभी आप ऑटो में बैठे हो उसकी जगह पर अगर चल के जाओगे, है ना, तो चल के भी आपको उसी तरह से गाइड करेगा, भाई 50 मीटर के बाद लेफ्ट ले लो, है ना, उसके बाद 200 मीटर चलो, फिर जो है 200 मीटर होने के बाद बोलेगा 50 मीटर के बाद फिर राइट ले लो, है ना। तो ये आंटी आपको बताएगी उस तरह से, है ना। ये सिंपल नेविगेशन है, है ना। यहाँ पर फिलहाल हम ऑटो में हैं। लॉन्ग रूट यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा सा घूम के जाना है तो 650 meters, turn right onto Azad Nagar Lane number 3/Mira Desai Road. ठीक है, यहाँ से आप पहले ही देख सकते हो। अब इसने ये कहा कि टर्न राइट ऑन आज़ाद नगर लेन, है ना, वहाँ पर एक आज़ाद नगर का मेट्रो स्टेशन है, है ना, वहाँ से हमें टर्न राइट लेना है 600 मीटर्स के बाद, यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया। मैप बेयरिंग 359 डिग्रीज। ठीक है, 359 डिग्रीज पे मैप जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें पूरी तरह से, है ना। और यहाँ पर ये देखिए 550 meters, turn right onto Azad Nagar Lane number 3/Mira Desai Road. ठीक है, अब इसने बता दिया हमें कि भाई 550 मीटर के बाद जो है आपको राइट टर्न लेना है। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा आपको टोटल स्वाइप करना है और उस हिसाब से जो है आपको आगे बढ़ना है। बस ये सिंपल है कि आपको जब भी आप नेविगेशन करते हो तो पूरा का पूरा जो आपको ध्यान है आपके मैप पर होना चाहिए और आपको स्वाइप करते रहना है कंटिन्यू। एक यही एक जगह है जहाँ पर आपको देखना है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये देखिए
map bearing 359 degrees. 360 degrees जो बता रहा है उसके बाद यहाँ पर देखिए 400 meters turn right onto Zandvoort Lane number 400 meter turn right बता रहा है. तो आपको इस चीज पर ध्यान रखते हुए आगे जाना है, जैसे कम होता जा रहा है डिस्टेंस. पहले 600 था, अभी 550 हुआ, अभी 400 है. तो ये एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब इसको टाइम नहीं लेना चाहिए बदलने के लिए. देखिए यहाँ पर 290 meters turn right onto Zandvoort Lane number 3/Mira Desai Road. देखिए देखिए 270 meters turn right onto Zandvoort Lane number 3/Mira Desai Road. हर सेकंड ये बदल रहा है ना, हर सेकंड बदल रहा है. वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि ऑटो जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर हमारा आगे बढ़ रहा है ना. ऑटो कंटिन्यूसली यहाँ पर आगे बढ़ रहा है ना, इसीलिए ये कंटिन्यूसली जो है बदल रहा है. तो ये आपका भी जब आप मतलब चल रहे हो तो ये बीच में नेटवर्क आपका जाना नहीं चाहिए, है ना. ये चेंज होता रहना चाहिए ताकि जो है आपका नेविगेशन सही से हो, है ना. बीच में अगर नेटवर्क जाएगा तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है. जैसे ही 200 मीटर बचेगा ये बताएगा इन 200 मीटर टर्न राइट, ऐसा बोलेगा ये, है ना. और बहुत अच्छे से नेविगेशन देता है ना. अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक है, आप लोग आवाज़ें सुन पा रहे हो, है ना. वैसे वीडियो थोड़ी सी भरी भी हो रही है, लेकिन ठीक है, मुझे भी मज़ा आ रहा है. मतलब बाहर बैठ के जो है, मतलब ग्राउंड लेवल पर जो है जाकर वीडियो बनाने का मतलब कुछ अपना ही एक मज़ा होता है ना. तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, हम इस तरह से जो है आप लोगों के लिए बाहर आकर वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों को मतलब कैसा फील होता है, मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना. और ऐसे वीडियोज़ आपको और कौन कौन से जो है आपको वीडियोज़ देखने अच्छे लगेंगे वो भी आप बता सकते हो, है ना. देखते हैं आगे. 210 meters, turn right onto Zandvoort Lane number 3/Mira Desai Road. फिलहाल 210 meters है, आंटी का वेट कर रहे हैं. आंटी हमारी कब अनाउंसमेंट करेगी, है ना, देखते हैं. कभी कभी जो है 150 meters पर भी कर देती है, है ना. कभी कभी जो है 200 meters पर भी अनाउंस करती है. 200 meters, turn right onto Azadnagar Lane number 3/Mira Desai Road. ठीक है, अब देखिए, अब इसने ये कहा कि भाई 200 मीटर्स के बाद जो हमें राइट लेना है आज़ाद नगर लेन से वीरा देसाई रोड पर. इसने कहा कि हाँ आपको राइट लेना है. अब एग्जैक्ट टाइम पर जब राइट टर्न आएगा, है ना, एग्जैक्ट टाइम पर जब राइट टर्न आएगा तो ये अनाउंस करेगा कि टर्न राइट, राइट लेना है आगे से. राइट आगे चलो, बता दो कहाँ से राइट लेना है. ये वीरा देसाई रोड वाला राइट राइट टर्न ले लेना आगे. तो 150 मीटर्स के बाद जो है राइट है. ड्राइवर अंकल को पता नहीं है, उनको फिलहाल एड्रेस मैं बता रहा हूँ, है ना. तो मतलब ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम हो गया है ना. अंकल को एड्रेस हमें बताना चाहिए, लेकिन फिलहाल अंकल जी को एड्रेस हम समझा रहे हैं, है ना. तो देखते हैं. गेट नंबर 3 वाला से जो राइट है ना, वीरा देसाई रोड वाला, वो राइट ले लेना अभी आगे से. 120 meters, turn right onto Zandvoort Lane number 3/Mira Desai Road. ठीक है, अभी 120 meters है. जैसे exit right का turn सामने आएगा तो वैसे आंटी फिर बोलेगी कि भैया right ले लो, है ना. तो wait कर रहे हैं आंटी का, देखते हैं. अभी right turn आया नहीं है, just आने वाला है. उम्मीद कर रहा हूँ आपको टॉकबैक की आवाज़ और हमारी आवाज़ सही से आ रही होगी. देखिए, अपने आंटी ने कह दिया कि भाई राइट टर्न ले लो, है ना. अंकल ये वाला राइट ले लेना. तो यहाँ से जो है हमने राइट टर्न भी ले लिया. तो इसी तरह से जो आंटी आपको पूरी तरह से जो है गाइड करेगी, है ना. आगे जाके जो है हमें जो है तुरंत लेफ्ट भी लेना होगा, तो ये आगे बताएगी कि भाई यहाँ आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है, है ना. सब चीज़ें जो है ये मैप एकदम परफेक्ट तरीके से जो है आपको बताता है ना. बहुत अच्छे से आप इस तरह से जो है इसमें जो है नेविगेशन कर पाओगे. और दोस्तों, यहाँ पर मैंने बाहर आके वीडियो बनाई है ना. ठीक है, अब इसने बता दिया कि आपको 800 मीटर जो है यहाँ पर कंटिन्यू चलना है. है ना, यहाँ पे अभी इसने ये बताया कि भाई हमें आगे चल के जो है लेफ्ट भी लेना है 800 मीटर्स के बाद वगैरह, सब कुछ डिटेल में जो है नेविगेशन देगा, है ना. तो बहुत ज़्यादा जो है आसान है. हम इसी तरह से अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुँच जाएंगे लेफ्ट राइट करते हुए. तो आप लोगों को जो है बाहर आकर हमने वीडियो बनाई, आप लोगों का आवाज़ हमारी कैसी आई, है ना, और किस प्रकार जो है आपको नेविगेशन लगा, हम टॉकबैक की आवाज़ प्रॉपर सुना पाए हैं या नहीं सुना पाए हैं, है ना. आप हमें डिटेल में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना, ताकि जो है हमें पता चले कि भाई ऐसी बाहर आकर जो है आप लोगों के लिए जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जा सकती है,
है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इंतज़ार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा पाए हैं या नहीं, और टॉकबैक की आवाज़ आप तक बराबर पहुंचा पाए हैं नहीं, और दूसरी चीज़ वीडियो बनाते समय हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं कम हुआ तो नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है ना। तो इंतज़ार है आपके कमेंट का, मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो शेयर, हाँ आंटी जी पहुँच जाएंगे हम, तो वीडियो ज़रूर आप सभी के साथ शेयर कर देना, देखना आंटी भी आपको कह रही है कि वीडियो शेयर कर दो सभी के साथ, है ना। तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली, तब तक के लिए जय हिंद।